बुलबुल की मधुर ध्वनि के साथ मेरे भी एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो शुरू कर लेते हैं बुलबुल। गुड मॉर्निंग, हेलो मित्र, सब लोग ने कहा बड़ा मोहन नमस्कार, स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। होप तुम सब ठीक नहीं लगा मल एकदम झक्का। सूर्य देवता दर्शन देते हैं यहाँ से, वो आएंगे अभी 7:30 बजे के करीब, और सबसे पहले धूप यहाँ को आएगी। आज तो नहीं आई है, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। तो आज तारीख है 29 और दिन बृहस्पतिवार। 2 दिनों के बाद साल भी चला जाएगा। इस बार का 31st हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं जाने की, देखते हैं। प्लान अगर सक्सेस रहा तो ले चलेंगे आपको एक नई खूबसूरत जगह में, जो कहते हैं सूर्य के उठने से पहले उठ जाना चाहिए, इससे बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मेरी बॉडी में दिख रहा है। फिलहाल अब चलते हैं नीचे, करते हैं नहाने धोने की तैयारी। नहाना धोना करके अब चल दिए ऊपर को। आज हो सकता है मैं गैर भी जाऊँ, अंडर 19 का मैच भी आज, तो क्या होता है ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो नए जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जो पुराने हैं वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कुछ समय बाद। आज काफ़ी दिनों के बाद इस रास्ते पे हूँ मैं। हम लोग निकल चुके हैं गैर को, वहाँ पे अंडर 19 मैच होना है पाव है और भूली गाँव के बीच। 11 बजे से मैच था पर भूली गाँव की टीम पहले ही आ गई थी, अभी पाभी की टीम आई नहीं है। अध्यक्ष साहब सागर जी मेरे आगे आगे चल रहे हैं, और हमारे मुख्य अतिथि आज के मनोज दाई और अंपायर रस्सू। हम लोग अभी जा रहे हैं, कुछ देर बाद टॉस वॉस होगा। और तो आ जाओ सारे क्रिकेट लवर, सीजन शुरू हो चुका है। इधर देख तो ये है हमारे मुख्य अतिथि सागर जी, अध्यक्ष साहब और आगे अंपायर जी। फर्स्ट व्यू ग्राउंड के होते हुए यहाँ से, वाह ये झाड़ियाँ सारी काट दी हैं आजकल। 1 तारीख से सीजन बॉल टूर्नामेंट शुरू होगा। मुख्य अतिथि साहब उद्घाटन करते हुए, शाबाश। मुख्य अतिथि उठाना, मुख्य अतिथि से हाथ मिलाते हुए हमारे दोनों कप्तान। बैटिंग, पाभी की बैटिंग आती हुई। टॉस वॉस हो चुके और उद्घाटन भी हो गया है मैच का। अब पहली पारी शुरू होगी पाभे वालों की। फील्डिंग से जाते हुए भूली गांव के कप्तान, आज के मैच के अंपायर हमारे अर्रू भाई। पाप जन कर रहे हो? ना भाई, पाप नहीं होगा। चल ठीक है। आज के हमारे कमेंटेटर मुत्ती जी और हमारे बल्ली भाई, दोनों ही काफी दूर से आए हैं कमेंट्री करने। और मनोदा है हमारे आज राइटर और मुख्य अतिथि, एक बार हाई तो कर दे। इतके साहब है ना, ये स्ट्राइक में पंकु, नॉन स्ट्राइक में अंकु, दोनों ही बल्लेबाज तैयार होते हुए। कुछ देर बाद मैच शुरू होगा। पहली गेंद अमन की, कोई और है, अच्छी बॉल। टॉस बॉल, अच्छी बिल्डिंग। बॉल, पहला झटका आता हुआ। नए बल्लेबाज पाभी ले सेरू, साबा सेरू। उल्टा, इस बार फिर से कैच हो सकता है। दूसरा झटका लगता हुआ पाभी को, लगातार पहले ही ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अमन। दूसरा ओवर लेकर आते हुए रोहित, उनके सामने है अक्षय। पहली गेंद कट कर दिया है, बाउंड्री लाइन की तरफ। चार रन। तीसरा झटका, 3 झटके लग चुके हैं। अब आए हैं संतोष, नए बल्लेबाज, पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बार अच्छी गेंदबाजी होती हुई लगातार। वाइड गेंद, ओवर की समाप्त, 2 ओवर समाप्त, 13 रन। फिर से आते हुए अमन बॉलिंग में, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अमन से ना दूसरी गेंद, और 1 रन चुराया।
अगली गैंग का। अगली गैंग अमन की। जोर से बोलिया थोड़ा। किसे क्या नाम? बहुत ज्यादा बुरे। हवा में इस बार कैसा आउट? एक और झटका, लगातार झटकों पे झटके लगते हुए पाभी की टीम को काफी खराब स्थिति में यहाँ पे। अब कप्तान आते हुए संतोष, पूरा दारोमदार इनके कंधों पर। पाभी की बल्लेबाजी बुरी तरीके से बिखर चुकी है। शानदार गेंदबाजी भूली गांव के द्वारा। तीन ओवर समाप्त, 20 रन। चौथा ओवर लेकर आते हुए रोहित। वो इस बार अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद, भेल से बॉल को रोका। 21 रन, 4 विकेट, 4 ओवर। नया ओवर लेकर आते हुए करण। पहली बॉल, ओ इस बार हवा में थी बॉल, और एक और, एक और की भी कैच ने भी नो बॉल का इशारा अंपायर का। रन आउट का चांस भी था, बचते हुए दोनों तरफ से खिलाड़ी। शानदार अंपायरिंग देखने को मिल रही है अजय के द्वारा। इस बार उठा के 6 रन। से उठा दिया है 6 रन। शानदार छक्का आता हुआ। अंकु काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक शॉट संभाल के रखा है। अगली गेंद वाइड बॉल, एक और झटका। 39 रन, 5 विकेट। पहली गेंद, ओ फुल टॉस, बिल्कुल समझ नहीं पाए कप्तान। बस अबे घुमाओ। 6 ओवर खत्म, 44 रन। सौरभ आए स्ट्राइक में रन लेते हुए। शॉट, दो रन पूरे करते हुए तीसरे। 50 रन पूरे होते हुए ताली तो बजाऊला, अंपायर ले ताली बजूनी बैंक। सात ओवर समाप्त, 57 रन। 8 ओवर लेकर आते हुए अमन, फिर से नो बॉल यार। तू दौड़ा हमारी तरफ आती हुई बॉल, मोती जी बचते हुए इस बार। बाय थ्रो, एक को दो में कन्वर्ट करते हुए। 64 रन, 8 ओवर खत्म। अंतिम 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है अब। शॉट, शॉट, नौ ओवर समाप्त, 70 रन। अंतिम ओवर लेकर आते हुए अमन, शॉट, वाह, छक्का, पहला छक्का आता हुआ। शाबाश यार, साबा भंडजे, सावा दिखाई गया, दिखाई गयो। तो झटका आता हुआ, कप्तान भी वापस आते हुए, नए बल्लेबाज आते हुए राहुल। गेंद पारी की, हमारी तरफ को आती हुई बॉल यहाँ पे। पहला रन तेजी से पूरा करते हुए, दूसरे के लिए भी विकेट खत्म होते हुए।
पावे की बारी 79 रन पर सिमटती हुई। अब भूली गांव को 80 रनों की जरूरत जीत के लिए। देखते हैं कौन जीतता है मैच। सोनू जी भी पहुंचते हुए मैच देखने को, कैसा चिता रहे हैं? टाइम काफी हो गया है, मैं चलता हूं। अब सोनू भाई आगे का मैच दिखाएंगे आपको, दिखा लेना बढ़िया करके। तो सेकंड बार स्टार्ट होती हुई, पहला ओवर लेकर आते हुए सेरू, पहली गेंद एक रन चुराया, पहली ओवर में तीसरी गेंद, वाओ काफी अच्छी शॉट, छक्का मारा सीधे अमन ने, अमन भाई। पहला ओवर समाप्त होता है, पहले दूसरी ओवर का पहली गेंद देख सकते हो, वाइड बॉल, वाओ काफी अच्छी शॉट, रनिंग कर रही है अभी, दो रन रखते हुए तीसरे की देख सकते हो, शेरू की दूसरी बॉल, छक्का मारते हुए शेरू के बॉल पे, काफी अच्छा खेल लेते हैं अमन भाई सिंह बॉलिंग में, वाओ सीधे छक्का मारते हुए। तीसरा ओवर समाप्ति के बाद अब आते हुए बॉलिंग में 32 रन, तो आप देखते हैं बॉलिंग में कौन आते हैं, बॉल से नेम अंकु, फिर से अंकु भाई बॉलिंग में, वाओ एक ही रन मिलेगा यहाँ से। चौथा ओवर, ओ काफी एक छक्का मारते हुए अमन भाई, क्या खेलते हैं यार अमन, अंकु के बॉल पे फिर से एक सिक्स, ने जाल में फंसाया था इन्होंने अंकु को। चौथा ओवर समाप्ति के बाद अब आते हुए बॉलिंग में संतोष, चार ओवर समाप्ति के बाद देखते हैं पहली बॉल में क्या कर पाते हैं, वाओ साइड डॉट, डॉट है वाइड, आउट है ना, कैच आउट, पहली बॉल पे आते हुए पहला विकेट मिलता हुआ, पहला कैच पकड़ा, पहला कैच, वाओ नाइस शॉट, गैप दिख के मारा, चार रन, वाओ बहुत बढ़िया काफी अच्छा गैप दिखा अभी, वाह नाइस शॉट, बिल्कुल कैच आउट। ओवर समाप्ति, पांच ओवर के समाप्ति के बाद रन स्कोर 55 रन। अब आते हुए बॉलिंग में कौन है बॉलिंग, पंकु, अंकु काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अंकु, देखते हैं पहली गेंद, ओ सीधा छक्का लग रहा है, 18 बॉल 15 रन चाहिए जीतने को, शेरू सिंह देखते हैं क्या कर पाते हैं, वाओ नाइस शॉट, शायद एक ही रन मिलेगा, दो रन ना एक ही रन मिला बस, ज्यादा नहीं। दीपू भाई खेलने में बॉलिंग में शेरू, वाओ मात्र 6 रन चाहिए जीतने को, बॉलिंग मत ओए तो इन्हें करा और खेल दिया, एक ही दिखा ला दीपू, बढ़िया यार दौड़, अच्छी शॉट, अशोक संतोष की बॉल में क्या कर पाते हैं, बढ़िया यार लड़के, छह में तीन रन, छह बॉल, बॉलिंग में रोशन, रोशन सिंह बॉलिंग, रोशन सिंह, रोशन कुमार, और खेलने में दीपू देखते क्या करते हैं, वाली बॉल, बढ़िया शॉट, नाइस शॉट, चार में एक दिखाता है, वही दिखाता है, चार बॉल में एक रन ना पड़ना, जीत चुके हैं भूली गांव की टीम, जाते हैं और ये भूली गांव टीम जीती होगा, भूली गांव की टीम भाई। तो रोमांचक मुकाबले में भूली गांव की टीम विजय रही, अच्छा खेला पावी वालों ने भी, और अब इसी तरीके से क्रिकेट का सीजन शुरू हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में जो नए हैं प्लीज यार कर दो, फिर अब क्या सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा देना। अब वीडियो एंडिंग करते हैं, अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। 1 तारीख से सीजन बॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसा ही है, फिर क्लोज करते हैं अब आज का वीडियो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।